तो हेलो 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 एडिटर्स, तो मैं आ चुका हूँ वापस एक और तगड़ी वीडियो के साथ। और आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक बार फिर से 316_paradise करके जो पेज है, वो भाई ने एक और मतलब रील डाली थी कुछ दिन पहले शाहिद कपूर वाली। उसके अंदर क्या था, जो शाहिद कपूर का जो कटआउट था ना, वो मतलब एक ओवरले के हिसाब से था और वो मतलब ऑसम लग रहा था। आपने स्टार्टिंग में प्रीव्यू तो देख ही लिया होगा, तो मैं इसी का ट्यूटोरियल आपको मैं देने वाला हूँ। बट होता क्या है, भाई ने जो कटआउट एंड शाहिद कपूर का जो वो डाला था ना वीडियो, उसके ऊपर ना वाइट कलर की लेआउट मतलब वाइट कलर का ग्लो था, बट वो मेरे से कैपकट के अंदर नहीं हुआ। पता नहीं भाई पीसी में करते होंगे तो पीसी से हो जाता होगा, बट कैपकट के अंदर वो वाला ऑप्शन ही नहीं था कलर चेंज वगैरह करने का। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हो। उससे पहले यार, मैंने कल वाली जो वीडियो बनाई थी ना कैपकट वाली, तो उनके अंदर मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई यार आपने कौन सा वाला VPN यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ प्ले स्टोर खोल के, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ VPN लिखता हूँ ना मैं, तो यहाँ पर मेरा मेरा एक ही VPN है। देखो यहाँ पर सुपियर VPN, ठीक है। आप ये वाला VPN यूज़ करो, आपके अंदर नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है ना, वो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। आप ये वाला VPN यूज़ करो, ठीक है। तो मैं यही वाला यूज़ करता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने इंस्टॉल भी किए रखा है इसको, तो यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला VPN चालू ही है, देखो। तो यहाँ पर आप ये वाला VPN यूज़ करो, हो जाएगा इससे। और आपको ना जो कैपकट की एप्लीकेशन है वो भी आपको मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन एक बार ज़रूर करना। तो यहाँ पर मैंने कैपकट को ओपन कर लिया है एंड सिंपल न्यू प्रोजेक्ट पर मैं टैप करता हूँ। एंड टैप करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी जो क्लिप्स है उसको रेडी रखना है। लाइक आपको ना 2 या 3 या 4 सेकंड की क्लिप को रेडी रखना है। यहाँ पर मैंने क्लिप पहले से ही क्रिएट करके रखी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सारी की सारी वीडियोस को सिलेक्ट करता हूँ लाइन टू लाइन। देखो यहाँ पर मैंने सारी वीडियोस को यहाँ पर मैंने लाइन टू लाइन ले लिया, जो कि 9 क्लिप थी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। एंड जैसे ही मैंने ऐड की, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये सारी की सारी क्लिप्स यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। तो सिंपल आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, सबसे पहले तो ये एंड स्क्रीन है इसको डिलीट करना है। एंड यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको ना सबसे पहले ना ये बॉक्स मिलेगा, तो बॉक्स पर आपको टैप करना है। थोड़ा सा लोड लेगा ये। एंड यहाँ पर आपको बेसिक में आना है। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये ब्लैक फेड, इसको आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको अप्लाई टू ऑल कर देना है। सिंपल आपको अप्लाई टू ऑल करोगे ना, तो यहाँ पर ये ब्लैक फेड लग जाएगा, देखो लग गया। अब यहाँ पर आपको क्या, हाँ कहाँ आना है, आपको आना है ये तीसरी वाली क्लिप के ऊपर, जहाँ से ये जो बाइक की सीट मतलब ये जो बुलेट है उसकी सीट ये डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस वाली क्लिप के ऊपर आना है। यहाँ पर आपको आने के बाद क्या करना है, सिंपल ओवरले पर आपको टैप करना है, ऐड ओवरले पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ना मिल जाएगा, आपको अपनी क्लिप ले लेनी है। यहाँ पर मैंने अपनी क्लिप ली है, देखो यहाँ पर मैंने ये वाली क्लिप ली है, तो मैं इसको ऐड करूँगा। एंड सिंपल ऐड करने के बाद कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, जैसे हमने कल वाली वीडियो के अंदर इसका जो बैकग्राउंड रिमूव किया था, वैसे ही आपको हमारा इस वाले वीडियो के अंदर करना है। तो यहाँ पर आपको आना है कटआउट वाले पे, कस्टमाइजिंग कटआउट पे। एंड यहाँ पर आपको एक बार टैप करना है। एंड सिंपल यहाँ पर आपको जो शाहिद कपूर है ना, इसके ऊपर आपको ना कबीर है ना, इसके ऊपर आपको जस्ट एक बार टैप करना है, मतलब टैप एंड होल्ड करना है। आप एक बार स्लाइड करोगे ना स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर आपको जो कैरेक्टर आपको लेना है ना, आपको सिर्फ ड्रैग करना है और छोड़ देना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा एंड रिमूव बैकग्राउंड भी हो चुका है अपना। तो सिंपल राइट के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। जैसे आप राइट के ऑप्शन पर टैप करोगे ना, तो यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, बैक आना है। एंड यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में मिलेगी स्पीड, तो सिंपल ये जो स्पीड है ना नॉर्मल के, आपको नॉर्मल के ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको इसको कर लेना है 0.3 करोगे ना, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ना ये वाली आप हमने हमको ना इस वाली क्लिप के एंड पर ले रखना है, बाकी ये वाली क्लिप है ना इसके अंदर हमको रखना नहीं है। तो इसको ना सिंपल से इसको आगे जाके इसको छोड़ देंगे, लाइक हमको इतना ही रखना है, बाकी इस वाली क्लिप के अंदर हमको रखना नहीं है। तो जैसे कि आपको अब क्या करना है, सिंपल बैक आना है। ये जो कबीर सिंह है ना, इसको यहाँ पर आपको फिल स्क्रीन कर लेना है दोनों थंब से, कुछ इस तरीके से हो गया ये। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल आना है बैक, एक और बार बैक आना है। एंड बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इफेक्ट, बॉडी इफेक्ट। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा लोड लेगा ये।
एंड यहाँ पर आपको आना है फ्रेम के अंदर। एंड फ्रेम के अंदर आप आओगे ना तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये थर्मोला ओरा करके, ठीक है। तो आपको ये ले लेना है, इसको यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, ये जो फिल्टर है ना, फिल्टर को यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ज़ीरो कर लेना है। एंड इसका जो पहला है ना, इसको यहाँ पर आपको 50 कर लेना है, 50 या 52 के आसपास, ठीक है, इतना आपको कर लेना है। एंड इतना आपको करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो है ना, अब आपको ना ये पीछे वाले शाहिद कपूर के ऊपर ये लग रहा है, बट आपको हमारे ये जो ओवरले वाला है ना, इसके ऊपर आपको लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको टैप करना है, यहाँ पर आपको ओवरले कर देना है। जैसे आप ओवरले करोगे तो ये वाला इफेक्ट हमारे ट्रांसफर हो गया हमारे इस वाले शाहिद कपूर जो PNG वाला है या फिर PNG ओवरले वाला है उसके ऊपर। सिंपल राइट के ऊपर आपको टैप करना है, एंड सिंपल राइट के ऊपर आपको टैप करने के बाद आपको वो एंड तक ले जाना है, जहाँ तक हमारा शाहिद कपूर है PNG वाला, वहाँ तक। इतना लेने के बाद यहाँ पर आपका ये जो काम है वो सिंपल हो गया। अब बारी आती है कि इसका जो कलर ग्रेडियंट पे वो करना है, बाकी के जो वीडियो है उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। तो हम सबसे पहले कलर कर देते हैं, क्योंकि कलर करना बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट करना भी ईजी है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आना है, यहाँ पर आपको एडजस्ट मिलेगा, एडजस्ट पर आपको सबसे पहले आना है कॉन्ट्रास्ट पे ऊपर। कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर आपको थोड़ा सा कर लेना है 10% के अराउंड, और सिचुएशन को फुल कर देना है। एंड एक्सपोजर है उसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा कर लेना है। और यहाँ पर आपको अब क्या करना है, जो शार्प पेन है ना, शार्प पेन को भी यहाँ पर आपको फुल कर लेना है। शार्प पेन को फुल करने के बाद यहाँ पर आपको और किसी चीज़ को छूना है नहीं, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इसको, मतलब आपको अगर कुछ करना है लाइक शेडो या फिर देखो शेडो या हाईलाइट को ऊपर नीचे करना है, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल आपको आना है, इसको यहाँ तक ले लेना है। लाइक ये वाली जो क्लिप है ये तो ब्लैक एंड व्हाइट होगी, बट यहाँ पर यहाँ तक जो है ये हमारी कलर वाली होगी। एंड सिंपल इसको कॉपी कर लेना है। सिंपल कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको हमको क्या, हमारे जो एंड वाली जो क्लिप है ना, उसके अंदर भी तो हमको कलर कलेक्शन करना है। तो हमने उसके अंदर भी कलर कलेक्शन कर दिया, जो कलर ग्रेडियंट कर ली, कलर कलेक्शन कर लिया, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो इसको। तो देखो ये हो गई, यहाँ पर ये लग रही है अच्छी मस्त, देख ये हो गई। अब यहाँ पर आपको अब क्या करना है, ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट करना है आपको, तो इसके अंदर आपको आना है, इसको यहाँ पर आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैन्युअली नहीं करोगे ना तो ये शाहिद कपूर जो ये कलर वाला है ना, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। तो आपको सिंपल क्लिप पर आपको टैप करना है, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट मिलेगा, सिंपल यहाँ पर आपको सेचुरेशन कर लेना है माइनस, एंड कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना करना है 7 या 6%, एंड शार्पन को फुल कर लेना है। एंड जो दूसरी वाली क्लिप है सिंपल, उसके अंदर भी शार्प पेन को फुल करना है, सेचुरेशन को माइनस कर लेना है, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा प्लस कर लेना है। एंड उसके आगे वाली जो क्लिप है ना, उसके अंदर भी हमको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा प्लस करना है, सेचुरेशन को माइनस कर लेना है, शार्प पेन को भी फुल कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको ये जो लास्ट वाली क्लिप मिल रही है ना, इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो सेचुरेशन को माइनस कर लेना है, कॉन्ट्रास्ट को प्लस कर लेना है, एंड शार्प पेन को फुल कर लेना है। सिंपल इतना करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये वाली जो हमारी एडिट थी वो यहाँ पर सिंपल कंप्लीट हो गई। यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ, उससे पहले आप लोगों को ऑडियो भी लेना है, तो मतलब ऐड ऑडियो कर लेना है, यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सिंपल, तो मैंने यहाँ पर ऑडियो भी एक्सट्रैक्ट कर लिया। और हाँ, ऑडियो जो है हमारा ये थोड़ा सा कम है, तो आपकी ये जो वीडियो है ना, वीडियो को यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्रॉप कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं अभी वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो किस तरीके से लग रही है। तो देखो यहाँ पर ये हमारी जो एडिटिंग थी वो यहाँ पर एकदम से रेडी हो गई है। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो का पूरा एक बार और देख लो, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, या फिर मेरे को इंस्टा या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर दियो। एंड सिंपल आपको एक्सपोर्ट करना है कि सेटिंग में 1080p रखना है, इसको 60 FPS कर लेना है, यहाँ से आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो होप कि यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलता तो हूँ आपको इसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
world.